नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक बेडरूम में इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या क्या होना चाहिए। तो इस देख सकते हैं, ये हमारा बेडरूम है, अटैच बाथरूम। तो इसमें देख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये जो है मेन स्विच बोर्ड है। मेन स्विच बोर्ड के ऊपर ये बल्ब होल्डर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये टीवी के लिए स्विच बोर्ड सॉकेट, दो सॉकेट लगे हुए, एक रिसीवर के लिए, टीवी के लिए। ये रिसीवर का वायर डाला हुआ है जो अलग से डाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेड स्विच बोर्ड है। इसमें चार्जिंग प्लग लगाया गया है, एक बल्ब पॉइंट है और एक ये फैन का दिया गया है। इसमें इस रूम में दो पंखे के लिए पॉइंट है, तो एक पंखा इधर चलेगा, एक पंखा मेन बोर्ड से चलेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये पावर प्लग है, ये जो खिड़की के पास दिया गया है, उधर बाहर कूलर लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है। और इसके बाद ये जो MCB लगी है, ये इसी का है। ये यहाँ से देख सकते हैं, सॉकेट दी गई, यहाँ पर AC लगेगी। इसके बाद ये देख है बोर्ड, स्विच बोर्ड, ये बाथरूम का है जिसमें सभी स्विचें दी गई हैं अंदर के लिए, और ये पावर प्लग की है स्विच इस तरह से। और सेलिंग में 5 छोटी लाइटें दी गई हैं, ये देख सकते हैं, छोटी लाइटें पार्लर कॉर्नर में, और 2 बड़ी लाइटें दी गई है, और 2 पंखे का सेलिंग हो। एक पंखा ये है, एक पंखा ये, ये पंखा उधर से चलेगा बेड स्विच बोर्ड से, और ये वाला पंखा यहाँ बेड मेन स्विच बोर्ड से चलेगा। इस तरह से पूरा सेटअप किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।